सरप्राइज क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं कहा सरप्राइज देते हैं आपको। और सुनाओ, अस्सलाम वालेकुम। सब क्या चल रहा? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट हो? हां शुक्र अल्लाह का। और सुनाओ, थोड़ी डाइट लग रही है? नहीं नहीं सही है। और ये भाई ने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें। मैं आपका शेख जुनेद आसिफ, ठीक है, हमारे भट्ट साहब, नुमान भट्ट साहब। ठीक है, नुमान भट्ट साहब, मैं चेहरा मुबारक दिखाएं। ये हमारे गोहर भाई हैं। ठीक है, ये हमारे वकार भाई। ठीक हो गया जी। आपका YouTube चैनल का नाम क्या है वो भी बता दें। ठीक है, लेकिन मुझे बात करने का बहुत शौक। जिस तरह आप बना रहे हैं ना, आपको बना रहना चाहिए YouTube चैनल। सर आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चक्कर लगाएं, आपको अच्छी व्लॉग्स बनाएं। चलो डन हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हो? अच्छा यार, तो वेलकम करते हैं आपका न्यू व्लॉग के अंदर। आज दो तीन काम है वो करने हैं, तो उससे पहले गाड़ी निकालनी बाहर। सबसे पहले गाड़ी निकालनी बाहर, फिर आपको सारा सीन बताता हूँ कि क्या सीन है। हाँ जी अहमद साहब, क्या हाल है? रजब का दोस्त आया। अहमद दोस्त आया, कैसा है? ठीक ठाक है। चलो यार गाड़ी निकालो आप बाहर, मैं आ रहा हूँ। बाहर आ जा, डीटो पाड़िया ना लाया कर। अच्छा जी, तो यार सीन कुछ इस तरह के, आपको पता सर्दी आ रही है और आपके भाई के पास गिने चुने सिर्फ ये एक दो ही हुड है और नीचे मैंने टी शर्ट पहनी हुई है इसके, तो अब ना लगती है ठंड। तो यार एक दो हुड लेने हैं और दो तीन शर्टें लेनी है मैंने। तो मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा संडे वाले दिन, लेकिन संडे को एक वैसे ज़रूरी काम निकला, तो मैंने सोचा कि यार आज फ्री हो गए टाइम से, तो आज ही चलते हैं। तो बस गाड़ी अहमद ने बाहर निकाल ली है, तो बस हम भी निकलते हैं। अब मैं खेलने गया था क्रिकेट पिछले दिनों में, तो मेरे ना फिंगर ये वाली इस पे लगी थी बॉल बहुत ज़ोर से, तो ये अभी तक ना पूरे तरीके से मूव नहीं होती। तो मैं सोच रहा था कि इसका चेकअप करा लूँ। मैंने ना इसके ऊपर ट्यूब लगाई है अभी एक, ये काफ़ी बेहतर हो रही है। कल रात लगाई थी ट्यूब और अभी काफ़ी बेहतर है, तो आज का दिन मैं इसको और दूँगा। अगर ये कल तक ना ठीक हुई तो फिर मैं इसका चेकअप करा लूँगा। तो यार अभी चलते हैं, पहले कोई ब्रांड ब्रूड पर नहीं जाना आपके भाई ने? क्रीम ब्लॉक जाएंगे, वहाँ शॉपिंग करके आएंगे। बल्कि क्रीम ब्लॉक चलते हैं, उसी बंदे के पास चलते हैं जिसने हमारी मदद की थी लास्ट वाला जो था। हाँ यार, जिसको नहीं पता ना कि मैं किस व्लॉग की बात कर रहा हूँ, मैंने और अहमद ने एक व्लॉग बनाया था टर्निंग 1 रुपीज़ into 1000, जो हमने पूरा किया था अल्लाह ताला की मेहरबानी से और एक बड़े प्यारे भाई की मेहरबानी से, क्योंकि हमारा चैलेंज जो था ना उसमें काफ़ी थोड़ा टाइम रह चुका हुआ था और हम बहुत थक गए थे। तो एक भाई ने हमें कुछ 600-700 रुपये इकट्ठे ही पकड़ाया था, तो यार उसकी मेहरबानी थी। वो भी क्रीम ब्लॉक में शर्ट्स वगैरह ही सेल करते हैं भाई, आई थिंक सो फीस नाम है भाई का। तो जाते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भाई अभी तक बैठा होगा दुकान पर। अगर वो बैठा हुआ तो जाके उसी से शॉपिंग कर लेंगे, वरना किसी और से ले लेंगे। यार मैं पहुँच गया हूँ अभी क्रीम ब्लॉक, और मज़े की बात यह है कि जो भाई जिस भाई ने हमारी हेल्प की थी ना, वो भाई दुकान पर बैठा हुआ है। तो अब बस काम इतना सा है कि गाड़ी पार्क करनी किसी जगह पे, ये ना हो कि तब तक वो क्लोजिंग कर जाए अपनी, बस गाड़ी पार्क करके उसके पास पहुंचते हैं। हाँ जी अहमद भाई, आज आज वो दिन आ गया जब हम दोबारा अपने प्यारे भाई को मुलाकात करने आए हैं। चल आ चले, आ जाओ, चाबी दे दे मुझे, तो उसको खो के ना ले जाए। मैं तो कह रहा हूँ सरप्राइज करते हैं उसको, जाके चुप करके सरप्राइज करते हैं उसको। सरप्राइज क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं कहा सरप्राइज देते हैं आपको। और सुनाओ, फिट फाट? बड़े कमेंट आए कि भाई ये दो नंबर था, लेकिन उनको नहीं पता कि ये एक नंबर था। और सुनाओ, फिट फाट? मैं स्पेशल आया हूँ ये बता के, मैं कहा ये भाई से मिलवा के लाऊंगा आपको जिसने हमारी हेल्प की थी उस दिन। और सुनाओ, फिट फाट? काम सही चल रहा है? अच्छा जी, यार हमें चाहिए फुल स्लीव शर्ट्स। हाँ कोई होगी? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सारे बच्चों ने? चलो ठीक है, कोई नहीं, आपसे मुलाकात हो गई बस। अच्छा यार, जो मेन काम आया था वो तो हो गया है, भाई से मुलाकात करनी थी वो हो गई है, और भाई का आपको दीदार दोबारा करवाना था वो हो गया है, लेकिन मेरा वाला काम नहीं हुआ। मैंने शर्ट लेनी थी वो भाई से नहीं मिली, भाई के पास सिर्फ सारी बच्चों की वैरायटी है। तो अभी चलते हैं तो पठान घेरते हैं, बल्कि पठान ने मुझे घेर लेना है, किसी पठान से जाके जैकेट वगैरह लेते हैं। पठान अहमद, पठान के पास जाएंगे, पंजाबी के पास चले पठान? चलो अहमद पठान कह रहे, पठान के पास चलते हैं। लो भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।
यार अहमद को ये गलियां देख के ना कुछ याद आया, अहमद से वो भी पूछ ले क्या याद आया उसको। यार ये वो गलियां हैं जहाँ पे हम बहुत जलील हुए हैं, घंटा घंटा जलील होते रहे हैं इसी गली में। उस टाइम कुछ सन्नाटा बंद थी सारी मार्केट उस टाइम। मेरे साइज की बीमारी है, मुझे साइज नहीं जल्दी मिलता कहीं से। डबल एक्सल साइज है मेरा और भाई के पास, और भाई के पास एक्सल साइज की शर्ट है, लेकिन शर्ट मुझे पसंद आई थी ये वाइट कलर वाली, लेकिन नहीं मेरा साइज तो क्या कर सकते हैं। ओए तू बढ़िया सामने भाई। भैया कितने की है ये? 7.5 लगी है बहुत। पाए होने भी इतों देंगे थोड़ी टाइट लग रही है। एक यार ये होके कर दे भाई, और बाकी भी दिखाएंगे। अब कौन सी ये कही है? ये चलो ये ओके कर दिए मैंने। मोबाइल दे बकारी तू सही हो जा, मैं तुझे बड़े प्यार से कह रहा हूँ, तू सही क्लिप नहीं बनाता, खराब हो जाता है क्लिप। दो हो गई यार नो फियर नो लिमिट्स नो एक्सक्यूज। लाइफ में ये होना चाहिए, नो फियर नो लिमिट्स होना चाहिए बंदे की, कुछ एक्सक्यूज कोई नहीं होना चाहिए, बहाना कोई नहीं होना चाहिए। क्या कौन रहा? मैं कह रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें ये भी है, लेकिन ये जाता है लाइट फैब्रिक माइक्रो में। अगर आपको माइक्रो प्लीज में चाहिए उसमें आपको इस तरह की कॉटन में मिल जाएगी। ये माइक्रो में देखें ये बड़ा खूबसूरत पीस है, वन ऑफ माई बेस्ट सेलिंग आर्टिकल। ग्रे कलर, ब्लैक कलर, नेवी ब्लू कलर। चलो मनाएंगे जब मेरे साइज कट के जाओगे। कटो मेरे साइज से यार, आपको आपके साइज के लिए ना मिल जाएगा, बनवाना पड़ेगा, मिल जाएगा लेकिन ट्रैक सूट में। और जैक का अच्छा, वो साथ लेना पड़ेगा। हां ट्राउजर वो आपको फिटिंग में आएगा, जो ट्राउजर होगा उसकी लेंथ वगैरह भी होगी। अच्छा यार मैंने दो शर्टें कर ली भाई, दिखाई जरा। एक ये शर्ट की है पोलो स्पोर्ट्स, और दूसरी भी दिखाना। एक ये शर्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ कॉपीज हैं या वट एवर जो भी है, लेकिन ड्यूरेबल आइटम है, मेकिंग आइटम है और बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो प्यार मोहब्बत आसान अल्फाज में कहें तो हंडने वाली चीज़ है। एक सीजन के दो तीन सीजन सर, अगर आप अपने वेट को दे रखेंगे ना तो दो तीन सीजन में गुजारेगा। नहीं अच्छी रहेगा, अगर कम करेंगे तो आपको फिटिंग करवानी पड़ेगी। इसमें कोई और कलर वगैरह तक कोई ट्राई करूँ हमारे काम आ जाएगा। कलर ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है। ये देखें इसमें आपको एक ग्रीन कलर मिल जाएगा, ये फाइनल कर लिया मैंने। हमने दो शर्ट्स ली हैं और एक ओलिव ग्रीन कलर का ट्रैक सूट लिया है। टू एक्सेस हमने, मेरे साथ भाई मिलके पैसे देंगे। नहीं मैं लेने वाला हूँ, मैं तो ये पैसे देने वाला हूँ। मैं दूश हाँ तो मुझे जाना था पूरा, लेकिन मैं एहतियातन चेक कर ले साइज सही है बट है। चलो इसका आ जाएगा पूरा। 2000 years later. अच्छा यार ये देखो, मैंने कहा था ना क्रीम ब्लॉक से लेना, किसी ब्रांड से नहीं लेना। ये ब्रांड से नहीं लिया, क्रीम ब्लॉक से लिया। शॉपिंग हमारी हो गई डन। अहमद भाई ये पकड़ना जरा। हाँ ये देखो सियालकोट गारमेंट्स के पास से लिया हमने, और ये भाई ने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें। मैं आपका शेख जुनेद आसिफ, ठीक है ये हमारे गोहर भाई हैं, ठीक है ये हमारे वकार भाई, ठीक हो गया जी। आपका YouTube चैनल का नाम क्या है वो भी बता दें। बात तो सही है। ठीक है, लेकिन मुझे बात करने का बहुत शौक। जिस तरह आप बना रहे हैं ना, आपको बना रहना चाहिए YouTube चैनल। सर आप नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चक्कर लगाएं, आपको अच्छी व्लॉग्स में। चलो डन हो गए, ओके भाई शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वो भाई भी साथ ही हमारे दो भाई जाना लाख हमारे अहमद भाई वो वकार, ठीक हो ये टिकटॉकर हैं बेसिकली। ये अहमद भाई, ये अहमद भाई टिकटॉकर हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। ठीक हो गए यार, ये आप सब व्लॉग्स में आ गए हो, ठीक है लो भाई जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार शॉपिंग हमने कर ली है, और शॉपिंग करते करते हमें एक ऐसा भाई मिल गया था जी, जो हमारे से भी अच्छा व्लॉगर था। और मैंने उसको कहा भाई तू चैनल बना अपना, तुझे इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा चैनल से। अब शॉपिंग कर ली रस्ते में, बड़े ही प्यारे मेरे भाई हैं राणा साहब, उनका फोन आ गया था यार आओ, बड़ी अच्छा हो गया आपने मुलाकात नहीं की। अब मैं उनकी शॉप पर जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे।
अच्छा यार तो मैं पहुंच गया हूँ अपने प्यारे भाई की दुकान पर, राणा साहब की दुकान पे, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं अभी। ये उनकी दुकान है स्पेयर पार्ट्स की। अस्सलामु अलैकुम राणा साहब, की हाल ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हो? हां शुक्र अल्लाह का। और सुनाओ काम शाम सही जा रहे हैं? शुक्र अल्लाह का। बड़ी देर हो सर मुलाकात नहीं सी, मैं कहा आपका फोन आया तो आपसे मिल के जाएंगे। अच्छा यार ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और जो हमारी फैक्ट्री अक्सर माल जाता है वो इनकी दुकान से जाता है। ये कैमरे में बहुत कम आते हैं लेकिन ये हमारे साथ टच में रहते हैं। और राणा साहब बच्चे ठीक ठाक ने? देखते मेरे व्लॉग्स? बच्चे नहीं देखते ना व्लॉग तो आप देखेंगे? पापा आए व्लॉग्स में। 1 hour later आधा घंटा गुजर गया पता भी नहीं लगा, गपशप करते रहे हम। तो अब मुझे घर से फोन आ रहे भाई किधर रह गए, खाना खाना है चलते हैं। आपको पता है मेरा फेवरेट काम है खाना खाना, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। राणा साहब काफी फोर्स करेंगे यार, खाना देख लो मेरे को खाना। फिर सही चलो ओए, तो खाने का पूरा खाने का पूरा एक व्लॉग बनावांगे। डन हो गया। लो राणा साहब ओके जी, खुदा हाफिज़। अच्छा अपने प्यारे भाई राणा साहब से मुलाकात कर ली, आपसे भी मुलाकात करवा दी उनकी, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ को। बहुत थक गए हैं, खाना शाना भी नहीं खाया अभी तक, और अहमद को भी भूखे उठाया हुआ घर से मैंने। बस अब घर चलते हैं और जाके खाना पीना खाते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा यार तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं अपने, और शॉपिंग डन हो गई है। शॉपिंग क्या यार, थोड़ा बहुत सर्दियों का सामान था जो लेना था वो ले लिया, और अहमद को उसे घर उतार दी जो कि मेरे घर से बहुत दूर है। तो नहीं यार मैं थोड़ी सी ना शर्टें लेनी थी। शर्ट भी क्या है? नहीं भैया और राणा साहब से मिल के आया तो उनके सिगरेट की वो है बगैर था पीना तो मिलना मैं कभी नहीं। राणा साहब से मिल के आया एक ही जेबी का 20 सिगरेट ले, निकालो नहीं सुबह देना ठीक है। राणा साहब नहीं स्मेल आ रही है, बोल मैं सिगरेट पीऊंगा तो फिर प्रैंक करूंगा ना आपका। सिगरेट केड़ा कोई वो कह रहे थे कि यार नहीं उन्होंने सिगरेट पिया, वो साथ बैठे हुए थे। तो यार उम्मीद है कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग तक के लिए। सही यार तो यार उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। एक मिनट मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह।